Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण. इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी अ वन शॉट अफेयर और अ कंटिन्यूअस वन. आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति द्वारा एक बार भी की जा सकती है या फिर निरंतर. आप कोई छोटा छोटा बिजनेस भी कर सकते हो जो सीजनल होता है, या आप कोई ऐसा बिजनेस जो काफी सालों तक आप कर सको आप वो कर सकते हो. छोटा बिजनेस का एग्जांपल मान लो आप दिवाली है तो आप पटाखों का बिजनेस कर रहे हो, होली है आप रंग का बिजनेस कर रहे हो, ये पूरा साल नहीं होगा. लेकिन अगर आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, लोहा का बिजनेस कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस वन है. दोनों ही केस में आप पैसा कमा रहे हो, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स एंड वन डे यू स्टिच अ शर्ट फॉर योर फ्रेंड एंड ही पेज सम मनी टू यू. ऑफकोर्स दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज यू हैव सम मॉनिटरी गेन, बट इट इज अ वन शॉट अफेयर. उदाहरण के लिए, यदि आप कमीज की सिलाई करना जानते हैं और एक दिन आप अपने मित्र के लिए कमीज की सिलाई करते हैं, इसके बदले वह आपको कुछ राशि का भुगतान करता है, तो निश्चित रूप से यह एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि आपको कुछ मौद्रिक लाभ हो रहा है. बट इफ यू स्टार्ट स्टिचिंग शर्ट्स ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस एंड चार्ज मनी फॉर दैट, यू आर सेट टू बी एंगेज इन सम कॉन्टिन्यूस एंड और रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी. यदि आप लगातार कमीजों की सिलाई करना प्रारंभ कर दें तथा इसके बदले पैसा लेने लगे, तो हम कहेंगे कि आप एक निरंतर चलने वाली आर्थिक क्रिया कर रहे हैं. इट मे बी नोटेड दैट बाय गेटिंग देमसेल्फ एंगेज्ड रेगुलरली इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल ट्राई टू अर्न देयर लाइवलीहुड. ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी एक विशेष आर्थिक क्रिया को निरंतर करने ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी एक विशेष आर्थिक क्रियाओं को निरंतर करके लोग अपनी जीविका अर्जित करने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है तो वो रेगुलर पेशेंट्स देखता है, एक टीचर है वो पढ़ा रहा है, लॉयर है वो केसेस देख रहा है अपने क्लाइंट्स का, कोई आदमी है रेगुलर ऑफिस जा रहा है. तो ये जितने लोग हैं ये क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपना जीवन चला पाए. So, the activities in which individuals engage themselves on a regular basis and earn their livelihood are known as their occupation. अतः जब लोग अपनी जीविका कमाने के लिए निरंतर कुछ क्रियाएं करते हैं तो इसे धंधा कहा जाता है. तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका occupation है. ये occupation आप क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए. अब बोलोगे आप कि कोई कम कमाता है कोई ज्यादा. देखो, जिसका जितना वांट है, जितना नीड है, जितना उसको जरूरत है, वो उस हिसाब से पैसे कमाने के पीछे लगेगा. जिसका कम आवश्यकता है वो कम कमाएगा, जिसकी ज्यादा आवश्यकता है वो ज्यादा कमाएगा. और वो कैसे कमाएगा ये उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर, उसके धंधे के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर रहेगा. In fact, everyone is engaged in one occupation or the other, and these can be broadly categorized as. वास्तविकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धंधे में लगा है. धंधे को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है. Profession, पेशा, employment, रोजगार, business, व्यवसाय. Let us know a few more details about these occupations. अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशा, रोजगार और व्यवसाय. चलिए आइए अब हम लोग प्रोफेशन पढ़ते हैं. प्रोफेशन को पेशा कहा जाता है. You are aware of doctors. आप डॉक्टरों से परिचित हैं जो आपका इलाज करते हैं. What are they and what do? वे कौन है तथा क्या करते हैं? दे आर बेसिकली इंडिविजुअल्स हु हैव अ स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू एग्जामिन द पेशेंट्स, फाइंड आउट द एलमेंट इफ एनी, एंड देन ट्रीट देम टू बी क्योर्ड फ्रॉम सच एलमेंट. मूल रूप से ये वे व्यक्ति हैं जिनको मरीजों की जांच करने, उनकी बीमारी का पता लगाने, बीमारी का इलाज करने का विशिष्ट ज्ञान एवं परीक्षण प्राप्त होता है. And for doing all these, they charge a fee from patient. इन सभी कार्यों के लिए वे अपने मरीजों से फीस लेते हैं.
Similarly, we have chartered accountants who specialize in matters related to accounts, taxes, etc., and help people and organizations for such jobs for a fee. इसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो लेखांकन एवं कर आदि मामलों के विशेषज्ञ होते हैं तथा इन कार्यों के संबंध में लोगों एवं संगठनों से फीस लेकर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं. If we look further, we find engineers, architects, film stars, dancers, artists and many other engaged in their own field having specialized knowledge and training. They are all known as professionals and the activities they are engaged in are called profession. और भी नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि इंजीनियर, वास्तुकार, फिल्म अभिनेता, नर्तक, कलाकार तथा और भी बहुत से लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं परीक्षण प्राप्त करके कार्यरत हैं. ये सभी पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं तथा जिन क्रियाओं को ये करते हैं उन्हें पेशा कहा जाता है. In order to gain clarity on the concept of a profession, let us look at its basic features which can be summarized as follows. पेशे की अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए आइए इसके कुछ आधारभूत लक्षणों पर नजर डालें जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं. चलिए पहला देखते हैं. Profession is an occupation for which the individual has to acquire a special knowledge and skill. पेशा वह धंधा है जिसके लिए व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान एवं दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. The money they get for providing such a service is usually known as fee. इस प्रकार की सेवाओं के प्रतिफल के रूप में जो राशि उन्हें प्राप्त होती है उसे फीस कहते हैं. Most of the professionals are regulated by a professional body which frames the code of conduct to be followed by the members professionals. For example, chartered accountant in India are regulated by professional body known as Institute of Chartered Accountants of India. Cricketers by International Cricket Council, ICC and so on. एक पेशेवर अपने हिसाब से ही सारा काम नहीं करता, उसे कुछ नियम भी मानने पड़ते हैं. अधिकांश पेशेवर लोगों का विनिमयन एक पेशेवर संस्थान द्वारा किया जाता है जो उस आचार संहिता को बनाती है, नियम को बनाती है जिसका पालन पेशे के सदस्य करते हैं. उदाहरण के लिए भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का विनियमन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के द्वारा, क्रिकेट खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा होता है. डी Professionals acquire the specialized knowledge mostly from colleges, universities or specialized institutes. In some cases, individuals also acquire such knowledge and skill through training or coaching by an expert in the same field, say for example dancers and musicians, etc. अधिकांशतः पेशेवर लोग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा विशिष्ट संस्थानों से विशिष्ट ज्ञान का अर्जन करते हैं. कुछ स्थितियों में लोग इस प्रकार का ज्ञान एवं कौशल परीक्षण द्वारा या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से परीक्षण प्राप्त करके करते हैं, जैसे कि नर्तक, संगीतज्ञ आदि. आप किसी डांसर के पास जाओगे वो आपको डांस सिखाएगा, म्यूजिशियन के पास जाओगे वो आपको म्यूजिक सिखाएगा, आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो स्पेशलाइज्ड है, कोई इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ इंग्लिश सिखा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट जो कि आपको अकाउंट सिखा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट जो कि आपको गिटार सिखा रहा है. तो इस प्रकार जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हर एक एक पेशेवर अपना अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लेके अपना काम करता है और लोग उनके पास आते हैं सर्विसेज लेने के लिए. प्रोफेशनल्स यूजुअली वर्क ऑन देयर ओन एंड गेट अ फी फॉर देयर सर्विसेज एंड टर्म्ड as those in practice. However, some of them may work in organizations as employees or consultants. पेशेवर लोग सामान्यतः अकेले कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में फीस लेते हैं तथा पेशारत कहलाते हैं.
कुछ पेशेवर लोग ऐसे भी हैं जो संगठनों में कर्मचारी अथवा सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं. The primary objective of every profession is to provide service, though they may charge a fee. पैसा तो कमाना ही होगा. सर्विस आप दे रहे हो, लेकिन जब तक फी नहीं लोगे आप जियोगे कैसे? तो अपने जीने के लिए आप जो पैसा कमाते हो प्रोफेशन में, उसको हम लोग फी कहते हैं. दे शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पीपल यूजिंग देयर नॉलेज ऑफ एक्सपर्टीज. यद्यपि सभी पेशेवर लोग फीस लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका मूल्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना है. उन्हें अपने इस विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करके लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए. देखिए, आप ये भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं. All those economic activities which involve the rendering of personal service of a specialized and expert nature based on professionals' training and skill and require the observance of certain rules and regulations which are known as code of conduct are called or termed as professions. ये देखिए एक complicated definition है, मैं समझा दे रहा हूँ. अगर आप चाहें तो ये यूज करें, नहीं तो अपने मन से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं. वह सभी आर्थिक क्रियाएं जिनमें पेशेवर लोग परीक्षण एवं दक्षता के आधार पर विशेषज्ञतापूर्ण एवं विशिष्ट प्रकृति की व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं तथा जिनमें कुछ नियमों आचार संहिता का पालन करना होता है, पेशा कहलाती है. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट को रोजगार कहा जाता है. यू हैव सीन पीपल गोइंग रेगुलरली टू ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, फर्म्स एटसेट्रा फॉर वर्क. आपने लोगों को प्रतिदिन काम करने के लिए दफ्तरों, कारखानों व फर्मों आदि में जाते हुए देखा होगा. दीज आर इंडिविजुअल्स हु आर एंगेज्ड बाय organizations or individuals to work for them in return for a wage or salary. ये वो लोग हैं जिनकी सेवाएं मजदूरी अथवा वेतन के बदले प्राप्त की जाती हैं. ये काम करते हैं, इनको क्या मिलता है? या तो वेज जो कि मजदूरी होता है, या तो सैलरी जो कि मंथली मिलता है. ये दोनों ही एम्प्लॉयमेंट में पैसा कमाने का जरिया है. जो हम लोग पैसा कमाते हैं उसको या तो वेजेस कहेंगे या तो सैलरी. वेजेस हर दिन पे भी मिलता है, साप्ताहिक मिलता है, डेली बेसिस, वीकली बेसिस. सैलरी भारत में मंथली बेसिस, मासिक तौर पे मिलता है. दे आर सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट. तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये लोग रोजगार में हैं. दस वी फाइंड अ पोस्टमैन इज एन एम्प्लॉयमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू डिलीवर लेटर्स. हियर द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयर एंड द पोस्टमैन इज द एम्प्लॉय. तो जो नौकरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर हुआ, और जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉय हुआ. द पोस्टमैन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड गेट्स अ मंथली सैलरी इन रिटर्न. हम देखते हैं कि एक डाकिया डाक विभाग में पत्र बांटने के रोजगार में लगा है. यहाँ डाक विभाग नियोक्ता एम्प्लॉयर तथा डाकिया कर्मचारी एम्प्लॉय कहलाएगा. डाकिया कार्य की शर्तों के अनुसार कार्य करता है तथा प्रतिफल के रूप में प्रति माह वेतन प्राप्त करता है. अब चलिए इसका फीचर्स देखते हैं. द मेन फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर. रोजगार के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है. इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन कॉल्ड एम्प्लॉय इज टू वर्क फॉर अनादर कॉल्ड एम्प्लॉयर. यह एक ऐसा धंधा है जिसमें एक व्यक्ति जिसको एम्प्लॉय या कर्मचारी कहते हैं, वह दूसरे व्यक्ति एम्प्लॉयर नियोक्ता के लिए कार्य करता है. देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क लाइक आवर्स ऑफ वर्क, हाउ मेनी आवर्स अ डे, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, हाउ मेनी डेज और आवर्स इन अ वीक और मंथ, लीव फैसिलिटी, सैलरी, वेजेस, प्लेस ऑफ वर्क एटसेट्रा. कार्य करने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कार्य के घंटे, एक दिन में कितने घंटे काम करना है, कार्य की अवधि सप्ताह अथवा महीने आदि में कितने दिन अथवा कितने घंटे. मतलब आपको एक सप्ताह में कितना दिन आना है. 7 दिन का सप्ताह होता है, क्या 7ों दिन काम होगा या 5 दिन होगा या 4 दिन होगा. जनरली सोमवार से शुक्रवार, मंडे से फ्राइडे फुल डे होता है, शनिवार को हाफ डे होता है और रविवार छुट्टी होता है. और अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरह के नियम होते हैं. तो आप जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, जहाँ आप नौकरी करेंगे, वहाँ का जो नियम होगा
वो आपको मानना पड़ेगा। छुट्टियों की सुविधा, वेतन, मजदूरी, कार्यस्थान, कितना आपको छुट्टी मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा और कहाँ पर आपको काम करने जाना है, ये सारा नियम आपको पहले बता दिए जाएंगे। किसके पहले? नौकरी ज्वाइन करने से पहले। द एम्प्लॉयज गेट सैलरी नॉर्मली पेड ऑन अ मंथली बेसिस और वेज नॉर्मली पेड ऑन डेली और वीकली बेसिस इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क। द अमाउंट इज नॉर्मली प्री डिटरमिंड, म्यूचुअली अग्रीड अपॉन एंड मे इंक्रीज ओवर टाइम। कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रतिफल के रूप में वेतन, सामान्यतः जिसका भुगतान प्रति माह किया जाता है, सैलरी मंथली मिलता है, हर मंथ मिलता है, अथवा मजदूरी सामान्यतः जिसका भुगतान प्रतिदिन साप्ताहिक किया जाता है। यह राशि साधारणतः पूर्व निर्धारित होती है, पारस्परिक सहमति से तय होती है तथा समय समय पर बढ़ती रहती है। पहले से आप बात कर लेते हो कि कितना सैलरी दोगे या आपको कितना सैलरी मिलेगा अगर आप नौकरी कर रहे हो, मजदूरी का क्या होगा, कितना मिलना है, ये पहले बात हो जाती है। लीगली द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी डेविएशन फ्रॉम एनी साइड परमिट्स द अदर पार्टी टू टेक लीगल कोर्सेस। कानूनी रूप से नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध ठेके अथवा अनुबंध पर आधारित होते हैं तथा दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा शर्त उल्लंघन करने पर दूसरे पक्ष को कानूनी कार्यवाही का अधिकार होता है। देर आर जॉब्स फॉर विच नो टेक्निकल एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बट फॉर स्किल्ड जॉब्स, स्पेशलाइज्ड जॉब्स एंड टेक्निकल जॉब्स अ सर्टेन लेवल ऑफ बेसिक और टेक्निकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी तकनीकी शिक्षा अथवा विशिष्ट दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आप दरवान बन गए, किसी के घर में साफ सफाई कर रहे हैं, किसी के घर में खाना बना रहे हैं। लेकिन कुछ रोजगार कौशल, विशिष्टता एवं तकनीक अपेक्षित होते हैं जिनके लिए एक स्तर विशेष की मूलभूत तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे मान लो आपको ड्राइवर बनना है या आप इंजीनियर बनना चाहते हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आप अपना प्रोफेशन नहीं करके किसी और के अंदर जॉब कर रहे हो। द मेन पर्पस बिहाइंड एम्प्लॉयमेंट इज टू सिक्योर अश्योर्ड इनकम थ्रू वेजेस एंड सैलरीज। रोजगार का उद्देश्य मजदूरी एवं वेतन के रूप में निश्चित आय प्राप्त करना होता है, क्योंकि आप किसी के ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी के व्यवसाय में काम कर रहे हो, तो आप जब जॉब ज्वाइन कर रहे थे, नौकरी ज्वाइन कर रहे थे, तो आपकी बात हो गई थी कि आपको कितना रुपया मिलेगा, तो वो व्यवसाय चले नहीं चले, चाहे कुछ हो, आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन ये चीज पेशा में नहीं होगा और आगे जो व्यवसाय पढ़ेंगे उसमें भी नहीं होगा। अब देखिए एक और डेफिनेशन है, पढ़िए। द इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंडर्ड बाई वन पर्सन टू अनादर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस फॉर सम रेम्युनरेशन इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए निश्चित प्रतिफल के बदले सेवा अनुबंध के अंतर्गत करता है, रोजगार कहलाती है। इसे आप चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस को हिंदी में कहा जाता है व्यवसाय। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टाटा कंपनीज। आपने टाटा कंपनी समूह के संबंध में तो सुना ही होगा। दे मैन्युफैक्चर सो मैनी थिंग्स फ्रॉम सॉल्ट टू ट्रक्स एंड बसेस एंड सेल दीज टू इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। ये वे नमक से लेकर ट्रक एवं बसों तक बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उन्हें हम और आप जैसे लोगों को बेचते हैं। इन द प्रोसेस दे अर्न प्रॉफिट। इस प्रक्रिया से वो लाभ कमाते हैं। क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मनी, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। लुक एट अ शॉपकीपर नियर बाय, व्हाट डज ही डू? ही बायस अ प्रोडक्ट इन बल्क एंड सेल्स अस इन स्मॉल क्वांटिटीज। जरा अपने पास के दुकानदार पर नजर डाले, वह क्या करता है? वह बड़ी मात्रा में माल खरीदता है तथा उन्हें छोटी छोटी मात्रा में हमें बेचता है। He also earns some profit in the process. वह इस प्रक्रिया से लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ। Similarly,
The cable TV operator provides us a connection at a price so that we watch various channels on our television set. In this process, the cable TV operator earns a profit. इसी प्रकार से एक केबल टेलीविजन परिचालक केबल ऑपरेटर कुछ मूल्य के बदले हमें अपने टेलीविजन पर विभिन्न चैनल देखने की सुविधा प्रदान करता है वह इस प्रक्रिया में केबल टेलीविजन परिचालक लाभ कमाता है ऑल ऑफ देम आर सेट टू बी एंगेज्ड इन बिजनेस एंड आर कॉल्ड बिजनेसमैन दे ऑल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट दस The term business refers to human activities which involve production or exchange of goods and services regularly with the object of earning profit. ये सभी व्यवसाय में लगे हुए माने जाते हैं और व्यवसायी कहलाते हैं ये सभी अपनी क्रियाएं लाभ कमाने के लिए नियमित रूप से करते हैं अतः व्यवसाय शब्द से अभिप्राय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जिनमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित उत्पादन एवं विनिमय किया जाता है बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल ट्रांसफर and exchange with the object of earning profit. व्यवसाय की परिभाषा एक ऐसी आर्थिक क्रिया के रूप में दी जा सकती है जिनमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित उत्पादन क्रय विक्रय हस्तांतरण एवं विनिमय के लिए किया जाता है We find people like mill owners, transporters, bankers, traders, tailors, taxi operators, etc. doing business. All of them are engaged in an activity of manufacturing or trading, buying and selling, trading ko buying selling kehte hain, or providing some services. They have invested their money, bear the risk involved and work for earning some profit. Hum bahut se vyaktiyon ko vyavsay mein laga hua dekhte hain, jaise karkhana malik, parivahan karta, बैंकर व्यापारी दर्जी टैक्सी चालक आदि ये सभी विनिर्माण अथवा व्यापार क्रय एवं विक्रय परचेज एंड सेल अथवा सेवा प्रदान करने के कार्य कर रहे हैं इन्होंने अपनी कुछ राशि का निवेश किया है वे जोखिम उठाते हैं तथा लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं दस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर तो चलिए हम लोग व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं ए इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द गुड्स मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स सिमिलरली द सर्विसेज मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस एटसेट्रा यह एक ऐसा धंधा है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण अथवा क्रय विक्रय में लगा रहता है यह वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं अथवा पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं इसी प्रकार सेवाएं परिवहन बैंकिंग बीमा आदि के रूप में हो सकती हैं देखिए यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस ये सब के ऊपर एक एक टॉपिक है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग द एक्टिविटीज मस्ट बी कैरिड ऑन रेगुलरली अ सिंगल ट्रांजैक्शन इज यूजुअली नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस For example, if a person sells his old car at a profit, it is not treated as a business activity. However, if he is engaged in the activity of buying old cars and selling them on a regular basis, he shall be treated as engaged in business activity. इसमें क्रियाएं नियमित रूप से की जाती हैं किसमें व्यवसाय में रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा एक अकेला लेन देन व्यवसाय नहीं कहलाता उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार को लाभ पर बेचता है तो हम इसे व्यावसायिक क्रिया नहीं कहेंगे लेकिन यदि वह नियमित रूप से पुरानी कारों का क्रय कर उन्हें बेचने का कार्य करता है तो हम कहेंगे कि वह व्यवसाय में लगा है इसका एक और एग्जांपल लीजिए मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदें
आप अपने घर आए, आपके रिलेटिव्स या किसी को भी पसंद आया तो आप उसको वो बेच दिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिए। यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाएं, लेकिन ये आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस तब होता जब आप रेगुलरली मोबाइल्स लाते और लोगों को बेचते। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स इट इज थ्रू प्रोविजन ऑफ सम गुड्स और सम सर्विसेज। व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है या व्यवसाय के अस्तित्व में रहने के लिए अनिवार्य है। हाँ, यह अवश्य है कि यह वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करके ही किया जा सकता है। आप या तो सामान बेचोगे या तो लोगों को सेवाओं दोगे। सेवाएं कौन देता है? लॉयर देता है, डॉक्टर देता है, टीचर देता है। गुड्स, आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे वो आपको सामान देगा। दोनों ही शर्तों में उसको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट मतलब पैसा। पैसा क्यों? अपने जीवन को जीने के लिए, अपने वॉन्ट्स को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एवरी बिजनेस requires some investment in cash or kind or both. It is usually provided by the owner or is borrowed by him at his own risk. सभी व्यवसायों के लिए कुछ न कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, जो रोकड़ अथवा संपत्ति अथवा दोनों के रूप में हो सकती है। या तो आप पैसा कैश में लगाएंगे, या तो कुछ सामान में लगाएंगे, या कभी कभी आप दोनों लाएंगे। इसे साधारणतः स्वामी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है अथवा स्वामी अपने जोखिम पर उधार लेता है। या तो ओनर पैसा देगा या तो वो किसी से उधार लेगा और वो खुद इसका रिस्क लेगा कि हाँ, ये पैसा जो वो उधार ले रहा है वो चुकाएगा, चाहे वो कहीं से भी चुकाए। द अर्निंग्स आर ऑलवेज अनसर्टेन बिकॉज द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड अ बिजनेसमैन हैज नो कंट्रोल ओवर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट हिज अर्निंग्स। दस Every business involves an element of risk and same is borne by the businessman, the owner. व्यवसाय में आय सदैव अनिश्चित होती है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है तथा कुछ ऐसे तत्व हैं जो आय को प्रभावित करते हैं और जिन पर व्यवसायी का कोई वश नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है और इसे व्यवसायी अर्थात स्वामी को वहन करना पड़ता है। तो जो भी रिस्क होगा वो सारा जो ओनर है उसी को देखना पड़ेगा।